हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आदित्य ओझा और रॉयल्स एजुकेशन की तरफ से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं डेली एडिटोरियल नोट्स सेशन। आज की तारीख है 12 अगस्त और आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक आर्टिकल, एक दो दिन पहले ये आर्टिकल आया था, ठीक है। हालांकि एक दो दिन पहले का आर्टिकल है लेकिन बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल है, सो हम इसे डिस्कस करेंगे। द हिंदू में यह आया था, मेकिंग अप फॉर शॉर्टफॉल्स इन GST कलेक्शन, ठीक है। जनरल स्टडीज 2 के अंतर्गत ये टॉपिक आता है UPSC एग्जाम में। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत, ठीक है। तो बात क्या है कि इस जो घटना है, ये घटना कहाँ से स्टार्ट होती है कि GST बिल जो आया था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि इससे अभी कुछ समय के लिए लॉस होगा, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कंपनसेशन देगी, ठीक है। अब न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेशन दे रहा है, अमाउंट दे रहा है, उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे कम ही सेंट्रल गवर्नमेंट GST कलेक्ट कर पा रहा है। कहने का ये मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को GST के अंतर्गत जो टैक्स मिल रहा है वो काफ़ी कम है और उससे काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट को एज ए कंपनसेशन अमाउंट दे रही है। तो आइए बात करते हैं कि GST है क्या, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी बेसिक कंसेप्ट है। तो लेट्स नो अबाउट GST। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये। 1 जुलाई 2017 को ये लगाया गया था, ठीक है। अब GST होता क्या, देखिए इसे समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो ये जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे हमारा हाउस रेंट हो गया, ठीक है, जो सैलरी से डिडक्शन होता है, वो सब कैसे हो जाते हैं आपके, वो सब हो जाते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करते, बट ये किसी पार्टी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी पर्सन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी MRP हम पे करते हैं ना, तो उसकी MRP में कई तरह के टैक्सेस, सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये सारे जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे टैक्सेस को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये इकोनॉमी का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्सेस के अगर एग्जांपल में हम देखें तो इनकम टैक्स आ जाता है, ठीक है, और कॉरपोरेशन टैक्स आ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा कस्टम ड्यूटी आ गया, एक्साइज ड्यूटी आ गया, वैट आ गया, ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। तो अब GST के अंतर्गत होगा क्या, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये कलेक्ट किए जाएंगे इकट्ठा, ठीक है। पहले क्या होता था, ये इंडिविजुअली कलेक्ट होते हैं, जैसे वैट भी लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, सेल्स टैक्स भी लग रहा है। तो अब ये सारे टैक्सेस हटा के सिर्फ एक टैक्स लगेगा, वो है GST टैक्स, ठीक है, GST, ठीक है, वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब हम बात करते हैं कि GST किन किन केसेस में लगता है, ठीक है, व्हाट ऑन व्हाट केसेस। तो जो पहला क्राइटेरिया है GST के लिए वो ये है कि अगर आपका एनुअल ट्रेड 20 लाख से ऊपर का है, साल यानी आपका जो सालाना व्यापार है, जो सालाना ट्रांजैक्शन आप करते हो अपने ट्रेड में, वो 20 लाख से ज़्यादा है, तो आपको GST पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट की नहीं बात हो रही है, सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। कुछ हिली एरियाज हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, तो वहाँ पे ये लिमिट 10 लाख रखी गई है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि और दूसरा कौन सा केस है, तो दूसरा केस जहाँ पे GST लगता है वो है इंटर स्टेट ट्रेड। अगर आपने एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी सामान का व्यापार किया तो आपको GST देना पड़ेगा, ये इंटर स्टेट ट्रेड के अंतर्गत आ गया। तीसरी जो बात है वो है ऑनलाइन ट्रेड। अगर आप ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हो तब भी आपको GST देना पड़ेगा, फिर चाहे आप 50 रुपए का ही क्यों ना कोई सामान ऑनलाइन बेच रहे हो, ठीक है, आपको GST देना पड़ेगा। तो ये GST बिल लाया क्यों गया था, ठीक है, इसके प्रॉफिट क्या हैं, आइए थोड़ा सा इसके कुछ प्रॉफिट्स के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इससे एबॉलिशन होगा जो इंटर स्टेट चेक पोस्ट लगते थे, जिनका काम होता था टैक्स निकालना क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में। जैसे ये देखिए, अगर आपको इस इमेज में, ठीक है, ये जो इमेज है यहाँ पे आपको कुछ ट्रक्स दिख रही हैं, ठीक है, तो ये ट्रक्स क्या होता था कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई माल जाता था तो ये ट्रक बॉर्डर के पास सब
एकदम लाइन में खड़ी हो जाती थी, ठीक है, और ये टैक्सेस पे करके ही इन्हें जाना पड़ता था, ठीक है। तो होता क्या है कि जीएसटी से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इन इक्विटेबल इंटरस्टेट टैक्स जो है वो कम हो जाएगा। इन इक्विटेबल इंटरस्टेट टैक्स क्या होता है, देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है समझना और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे थोड़ा ध्यान से देखें। होता क्या था कि मान लीजिए दो स्टेट है, ठीक है, एक यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक है आपके पास स्टेट बी, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि इंडिया में हर स्टेट अपने अपने यू नो डिफरेंट टैक्सेस लगाता था, जैसे इनका है मान लीजिए 10% और बी 12% टैक्स लगाते हैं। किस चीज़ पे? कोई कंपनी है मान लीजिए, उसे सामान बनाना है, मान लीजिए कोई कंपनी है कार बनानी है, ठीक है, तो जो ए स्टेट है वो 10% उससे बस टैक्स मांग रहा है और जो बी स्टेट है वो उससे 12% टैक्स मांग रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो जो कंपनी है, जो कार बनाने वाली कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो कहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगी? ए पे। कहाँ पे बनाएगी? ए पे, ठीक है। बी पे क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा हैं। तो इससे क्या होता था कि इन इक्विटेबल इंटरस्टेट टैक्स होता था और इससे कुछ राज्यों को ज़्यादा फायदा मिलता था, जैसे हो गया गुजरात, हो गया आपके महाराष्ट्र, हो गए, और इसीलिए इन राज्यों ने जीएसटी लाने का शुरुआती चरण में विरोध भी किया था, शुरुआती स्टेज में इसके खिलाफ थे। तो ये जो ए है, यहाँ पे कोई कंपनी जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करेगी तो जाहिर सी बात है इसका डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो अब क्या है कि अब नियम के हिसाब से जहाँ जो कंपनीज हैं, ठीक है, उन्हें टैक्स इस प्रकार से देना पड़ेगा कि जैसे वो किसी स्टेट में सामान बेच रही है, ठीक है, मान लो बी स्टेट में वो कार कंपनी बेच रही है, कहाँ पे? बी स्टेट में, तो उसे स्टेट बी में देना पड़ेगा, यानी सप्लाइंग स्टेट, जो आपका यू नो जहाँ पे आप अपना सामान बेच रहे हो उस स्टेट को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी आप, और इस टैक्स को बोलते हैं IGST। क्या बोलते हैं? IGST, ठीक है। IGST में क्या है कि मान लीजिए आपने कार बनाई ए स्टेट में, बेच रहे हो बी स्टेट में, तो होगा क्या कि आप बी स्टेट में IGST पे करोगे। IGST क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें मान लीजिए अगर 18% आपका GST है तो 9% सरकार ले लेगी और 9% वो स्टेट ले लेगा जहां आप ये सामान बेच रहे हो। तो इससे क्या हुआ कि ए में आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई थी, ए को तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, तो ए को क्यों आप टैक्स दोगे? आप वहां दो जहां पे आप अपना सामान बेच रहे हो। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा ये जो इंटरस्टेट टैक्स था, ये इसकी अमाउंट थोड़ा सा इक्विटेबल हो गई, ठीक है। और इससे ये भी हुआ कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे, इसने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। देखिए होता क्या था, पहले जो विदेशी कंपनियां होती थी वो थोड़ा सा यू नो इस बात पे सोचती थी कि अरे इंडिया में मतलब इतने राज्य हैं, हर राज्य का अपना अलग अलग टैक्सेशन, कौन इतना कैलकुलेट करेगा, कौन अलग अलग यू नो ऐसे काम करेगा, तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से डरती थी। पर अब जबकि एक वन नेशन वन टैक्स आ गया है तो अब वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगी और वो हर राज्य में, ठीक है, जितने राज्यों में संभव हो सकेगा, जितने राज्यों में उनकी डिमांड के हिसाब से ये पॉसिबल होगा, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि इसका एक और प्रॉफिट ये है कि एक जीएसटी काउंसिल बनी है, ठीक है, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में आपको बता दूं, यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसके बारे में ऐसे भी आ चुका है। तो कैसे जीएसटी काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है? देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फेडरलिज्म का एक ऐसा पार्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच कोऑपरेशन पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच कोऑपरेशन पे ध्यान दिया जाता है, इसे किसी दिन अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देगी, सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशन है, ठीक है, उसे मजबूत करेगी, सुदृढ़ करेगी। लास्ट सेक्शन में हम बात कर लेते हैं कुछ PIB डेटा की। तो देखिए PIB से जो हमें डेटा मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार का है कि जो केस फैटेलिटी रेट है COVID-19 की इंडिया में वो 2% से कम आ गई है और ये पहली बार हुआ 11th अगस्त को। ये कब हुआ? 11th अगस्त को ये हुआ सबसे पहली बार और इसकी जानकारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमें दी, ठीक है। तो फैटेलिटी रेट क्या होता है कि फैटेलिटी रेट का ये मतलब है कि मान लीजिए किसी रोग से कोई एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ पीपल, मान लीजिए 100 हो गया या 1 लाख पीपल इन्फेक्ट होते हैं तो उसमें से कितने परसेंट लोगों की डेथ हो जाती है, ये होता है फैटेलिटी रेट। द प्रोपोर्शन ऑफ डाइंग पर्संस, है ना, उसे बोलते हैं हम फैटेलिटी रेट ड्यू टू एन इन्फेक्टेड डिजीज। तो
ये पहला डेटा हो गया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस समय, ठीक है। और दूसरी बात ये है, दूसरा जो डेटा हमें मिल रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर्स की तरफ से मिलता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मेघ प्लान को लॉन्च किया है, ठीक है। ये कृषि मेघ क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृषि मेघ एक स्टेप है टूवर्ड डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ न्यू इंडिया, मतलब जो हमारा इंडिया है उसमें एग्रीकल्चर के डिजिटलाइजेशन की तरफ ये एक स्टेप है। इसमें क्या होगा कि नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम जो है, जो कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, ताकि डिजिटलाइजेशन हो सके एग्रीकल्चर का। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है इससे ट्यून में है, ठीक है, मतलब इसके सपोर्ट में है। तो ये बात हो गई आज की एनालिसिस की, आज के एडिटोरियल नोट्स की। आप इन सब को नोट डाउन कर सकते हैं अगर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा एक और सेशन आने वाला है मुद्दे की बात, ठीक है। इस सेशन में हम आपको यूपीएससी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, जो होलिस्टिक कवरेज होती है उनकी, वो देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस वाटर ट्रीटी, ये अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, यूपीएससी में कई बार पूछा भी जा चुका है, पूछा भी जा सकता है आगे। तो इस पे हम एक पूरा अलग से होलिस्टिक कवरेज लेके आएंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।